पॉजिटिव भारत को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे देवभूमि सह देशर 161 ऑक्सीजन प्लांट को प्रधानमंत्री लोकार्पण माराथन मोड रे शुभारंभ सहित राष्ट्र उद्देश्य रे समर्पण एक मिनिट रे हेबो 1000 लीटर अम्लजान उत्पादन सीएम रु पीएम सेवा और समर्पण 20 वर्ष देश में गरीब कल्याण जननायक नरेंद्र मोदी बिना छुट्टी रे राष्ट्रपाई दु दशंधीर प्रेरणादायी यात्रा भारत को विश्व गुरु करने को प्रधानमंत्री प्रयास जारी जम्मू काश्मीर पुणि थे आतंकवादी आक्रमण अति पाखर दुई शिक्षकों मुंड को मारले गुली पाठ पढ़ाता बेले दुई तीन जन आतंकवादी स्कूल को आसी कले उभय हत्या पूरा अंचल रे सेना और पुलिस सर्च ऑपरेशन आरंभ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 वर्ष पूर्ति देशव्यापी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित राज्य में बीजेपी पक्ष मागणा स्वास्थ्य परीक्षा शिविर अनुष्ठित सात घंटे पलटिगला पूरा बाजी फेसबुक डाउन होगा फायदा मिलला टेलीग्राम स्नैपचैट और ट्विटर पर सोशल मीडिया नेटवर्क को फेसबुक सहिला 52,000 कोटी टंकार क्षति भारत रचिला आउ एक इतिहास सबु एफआईएच श्रेष्ठ पुरस्कार पोछी आनला भारत महिला और पुरुष हॉकी दल को मिलला पुरस्कार समस्त 8 जाक अवार्ड हाथी भारत प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार दिन ऋषिकेशर एम्स ठारे 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन करिसेंति पीएम केयर अधीन निर्माण करा जायतिबा ए प्लांट देशर कोविड रोगी आवश्यकता को पूर्ण करिबारे सक्षम होई परिबो बोली ए उद्घाटन अवसर में प्रधानमंत्री कहिसेंति 35 ऑक्सीजन उत्पादनकारी प्लांट उद्घाटन कले प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड सहायता रे स्थापित हैला प्लांट पीएसए ऑक्सीजन प्लांट रो ऑक्सीजन प्रस्तुति रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका एकजुट होई कोरोना महामारी संकट रो मुकाबला करिछंती देशवासी मने पकाइले 20 वर्ष पूर्वे आरंभ होइतिबा तांको राजनैतिक यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देशव्यापी 35 ऑक्सीजन प्लांट रो लोकार्पण करिछंती ऋषिकेशर एम्स रे आयोजित एक कार्यक्रम रे जोगदे प्रधानमंत्री देशर 35 राज्य और केन्द्र शासित अंचल रे स्थापन करा जायतिबा ऑक्सीजन प्लांट को लोकार्पित करिसेंती प्रधानमंत्री को पीएम केयर्स फंड सहायता रे स्थापित होईछि एही अवसर रे प्रधानमंत्री ठीक आज को 20 वर्ष पूर्वे आरंभ करितिबा तांकर राजनीतिक यात्रा को मने पकाइथिले पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है अपनत्व दिया है वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन बा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन प्रस्तुति रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो 2 वर्ष धरी देश में लागी रही कोरोना महामारी संकट रो मुकाबला देशवासी एकजुट होई करिछंती 100 साल के
100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना महामारी समय रे ऑक्सीजन रो अभाव देखिबा परे केंद्र सरकार देशर प्रत्येक जिल्ला रे प्लांट स्थापन करबाकु योजना करिसंती। इति मध्य रे देशरे 1100 टी पीएसए प्लांट स्थापन करा जायछि। एहा द्वारा 1750 एमएमटी ऑक्सीजन उत्पादित होई परिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। एफआईएच तरफरु घोषणा होइतिबा समस्त पुरस्कार जितिले भारतीय खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक। समस्त विभाग श्रेष्ठ खिलाड़ी, श्रेष्ठ कोच एवं श्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार हातेछंती भारतीय। भारतीय खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक ए पुरस्कार जितिबा परे हॉकी इंडिया तरफरु तांको कृतज्ञता ज्ञापन करा जायछे। भारत रचिला आउ एक इतिहास। सबु एफआईएच श्रेष्ठ पुरस्कार पछियाणिला भारतीय महिला और पुरुष हॉकी दल। समस्त आठटी जाक अवार्ड हातेछि भारत। एफआईएच पक्षर घोषणा कर पुरुष एवं महिला विभाग में चलित बर्षर श्रेष्ठ खेलाड़ी अवार्ड जीति भारतर हरमन प्रीति सिंह एवं गुरजित कौर। उभय विभाग श्रेष्ठ गोलकीपर होती पी आर श्रीजेश सबिता पुनिया। श्रेष्ठ एमर्जिंग खेलाड़ी पुरस्कार जीति भारत। भारतर बेक सगर प्रसाद पुरुष एवं शर्मिला देवी महिला चलित बर्ष एफआईएच एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विवेचित होती। भारतर पुरुष हॉकी दल कोच ग्राहम रीड एवं महिला हॉकी दल पूर्वतन कोच जॉयड मारियन एफआईएच श्रेष्ठ हॉकी प्रशिक्षक अवार्ड जीति। विश्वकप एवं ओलंपिक विजेता दल बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड आदि दल खेलाड़ी को पछरे पकाई यही सब अवार्ड जीति भारतीय हॉकी खेलाड़ी एवं प्रशिक्षक। यह अवार्ड पर मतदान प्रक्रिया अगस्ट 23 रु आरंभ हो सेप्टेम्बर 15 जाए होता। अवार्ड जीति समस्त खेलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को हॉकी इंडिया तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करलंपिक उभय महिला एवं पुरुष हॉकी दल जो भाई प्रदर्शन करतीपाई भारतीय दल को विभिन्न महलर प्रशंसार सुअ छुटी हॉकी इंडिया सभापति ज्ञानेन्द्र निगम बाम कहते। गत वर्ष महामारी कोरोना जो एफआईएच अवार्ड अनुषित हो पार ना मात्र चलित बर्ष यह अनुषित हो। जम्मू काश्मीर स्कूल ले आतंकवादी आक्रमण। श्रीनगर ईदगाह अंचल रे थिबा एक स्कूल ले प्रवेश करी आतंकवादी आखिबुजा गुड़ी चलना करछंती। दुई शिक्षकों मृत्यु होई, मृतकों मध्य जने हिंदू होता बेले अन्य जने सिख बोली जना पड़ी। से स्कूल प्रिंसिपाल सतिंदर कौर और शिक्षक दीपक रही। मिलता सूचना अनुजाई आतंकवादी माने स्कूल को प्रवेश करी गुड़ी चलना करने सहित उक्त शिक्षकों को गुड़ कर हत्या करते। पुलिस घटनास्थल में पहुंचे जांच कर समय सेनाबाहन तलाशी अभियान आरंभ कर आतंकवादी आक्रमण में 5 जन साधारण नागरिकों मृत्यु हो। फिर मैंने मेरे छोटे कजन का फोन आया, भैया आप यहाँ पे आ जाओ घर पे। तो घर पे आके भैया लेटे हुए थे तो पता चल गया कि ऐसे ऐसे ट्रेजेडी हुई है। तो बस उसके बाद अभी पता चल रहा है कि वो फ़ोन यूज़ हो रहा है और मिलिटेंट के पास है, किसके पास है। बस हमें शर्म आ रही है कि हमारी सिस्टम कैसा है। लेकिन हमने अभी इनके घर में इनके भाभी को कॉल किया, इनको पता नहीं था। फिर मेरी सिस्टर ने इनको सेंड कर दिया फोटो, तो फिर इनको भी पता चल गया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। वो क्या करना चाहते हैं वो हमारे मार्शल को, ऑब्वियसली यू नो इट, एलिमेंट्स बैक्ड बाय पाकिस्तान। मैं तो ये इतने साल से दिन दहाड़े बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कम से कम लोकल मीडिया फ्रेटर्निटी को बोलता हूँ, खुदारा कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इस सांप को सांप बोलिए, ये हमारे माशरे को तकसीम करने निकले हैं, हमारे माशरे को बर्बाद करना निकले। और ये भारतर ग्रामगुड़िक पुष्टिकर सुरक्षा को मजबूत करने दिगरे प्रयास। प्रोजेक्ट फर्च्यून सुपोषण अधीन सामिल है 640 गाँ उपकृत है 56,264 लोक। आदानी फाउंडेशन द्वारा कार्यकारी होता आदानी विल्मार बड़ प्रयास।
ଭାରତର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ସୁପୋଷଣ ଅଧୀନରେ ସାମିଲ ହେଲା 640 ଗାଁ, ଉପକୃତ ହେଲେ 56,264 ଲୋକ। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଆଦାନୀ ୱିଲମାରର ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ପୋଷଣ ମାସ ଅଭିଯାନରେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 12 ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର 640 ଅଧିକ ଗାଁରେ 56,264 ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ 400 ଅଧିକ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହି 640 ଗାଁରେ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଏହି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଅଭିଯାନରେ ପୁଷ୍ଟିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମେଟ୍ରିକ ମାପ ପରି ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ 7,699 ପିଲାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 432 ବା 5.6% ଗୁରୁତର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଏବଂ 556 ବା 7.2% 14 ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ପୁଷ୍ଟିକର ରେସିପିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଷାନ ଭାଟିକାସ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାସ କରି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା, କିଶୋର ବାଳିକା, ପୁରୁଷ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ 1,000 ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 575 ପୁଷ୍ଟିକର ବଗିଚା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନ ବ୍ୟବହାର କରି 463 ରନ୍ଧନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 2,630 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା, 3,128 କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ 7,138 ପରିବାର ପରାମର୍ଶ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ଏଏମ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଏଏମ୍ ସହିତ ବାଳିକା ଏବଂ 1,380 ପିଲାଙ୍କ ପରିବାର, 5,022 ଜଳ ପରିମଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 5,782 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 436 ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖା, କୁଇଜ, ସୁସ୍ଥ ରେସିପି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1996 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଜି 18 ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2,414 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନବସୃଜନ, ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ ଦେଉଛି। ପୁଣି ପଢ଼ିପାରେ ଆର୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆଜି ଅର୍ଥାତ 7 ତାରିଖରେ ଆର୍ୟନ ଏନ୍ସିବି ରିମାଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସାଥୀ ଅରବାଜ ଓ ମୁନମୁନ ଧମେଚାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆଗରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ସେପରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି 4 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ଏନ୍ସିବି ତରଫରୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେପଟେ ଆର୍ୟନଙ୍କ ଓକିଲ ସତୀଶ ମାନସିନ୍ଦେ ତାଙ୍କ ବେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଥାରେ ଅଛି କାହାର ସର୍ବନାଶ ତ କାହାର ପୁଷମାସ। ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠପ୍ ହୋଇଗଲା ଫେସବୁକ୍ ସେବା। କମ୍ପାନୀ ସହିଲା 52,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଫେସବୁକ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା ଫାଇଦା ମିଳିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ, ସ୍ନାପଚାଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନେଟୱାର୍କକୁ। କେମିତି 7 ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜି ପୁରା ପଲଟିଗଲା ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଚାରି ଅକ୍ଟୋବର ରାତି 9ଟା ପରେ ଆଉ ଖୋଲିଲାନି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍। ୟୁଜରଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳିଗଲା ହଇଚଇ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଖସୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଗଲା। ଫେସବୁକ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତ ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲା ସ୍ନାପଚାଟ୍। ଆନାଲିଟିକାଲ ଏଜେନ୍ସି ସେନ୍ସର ଟାୱାର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଫେସବୁକ୍ ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କେତେ ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା ତାର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଫେସବୁକ୍ ସହ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବି ଅଚଳ ହେବାର ସର୍ବାଧିକ ଫାଇଦା ନେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ସ୍ନାପଚାଟ୍। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଅନୁରୂପ କୁହାଯାଉଥିବା ସ୍ନାପଚାଟ୍ର ୟୁଜର ସଂଖ୍ୟା 23% ବଢ଼ିଗଲା। ସେପଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ୟୁଜର ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେକର୍ଡ 28% ଖସି ଆସିଥିଲା।
फेसबुक डाउनर द्वितीय सर्वाधिक फायदा उठाई टेलीग्राम 18% रेकर्ड अभिवृद्धि 70 मिलियन रु अधिक नुआ यूजर जोड़ी होइथिले एही प्लेटफॉर्म रे। टेलीग्राम पछकु 15% यूजर अभिवृद्धि सिग्नल रही तृतीय स्थान रे। सेपरी फेसबुक रो डाउन समस्यारु ट्विटर भी किछि कम फायदा उठाइनि। ट्विटर रा यूजर ट्राफिक अक्टोबर 4 राति रे हठात 11% बढ़ी जाइथिला। सोमवार फेसबुक पाई कला दिन थिला। कंपनी को 7 घंटा भितर 52,000 कोटी टंकार क्षति सहिबाकु पड़िछि। पूर्वरु मध्य विभिन्न समय रे फेसबुक सेवा बंद होइ जिवार नजीर रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय छि बुलेटिन को रखिबा। नमस्कार।